अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या हैं। मेरी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए मैंने कार्ड पहले से शफल करके निकाल लिए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या है। नेक्स्ट एक्शन आपके सामने ही निकाल लेंगे, लेकिन ये इनमें इन कार्ड्स में थोड़ी देर लगती है तो इसलिए ये ने पहले निकाल लिया है मैंने। तो चलिए देखते हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपका बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 3 ऑफ पेंटिकल और इनका थर्ड पार्टी के लिए बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 7 ऑफ कप। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है 8 ऑफ पेंटिकल। जितने भी कार्ड आए मैंने रख लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स और यहाँ पे मिला है हमें एस ऑफ कप। गाइज, आपके पार्टनर जो हैं उनका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है, ये लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई भी हो सकते हैं। यहाँ सारे ही साइन मौजूद हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे फ्लर्टी नेचर के हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्स, बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप के हैं। हर किसी से बात कर लेते हैं, हर किसी से अटैच हो जाते हैं, हर किसी से फिजिकल अट्रैक्शन हो जाती है इनको। जो मिला उससे बात कर लिया, जिससे चाहा उससे कॉल पे टेक्स्ट पे बात कर ली, कुछ इस टाइप की आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं आपके और उनके रिश्ते में। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं 5 ऑफ कप से। वो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। देखिए, ये कार्ड, दोनों कार्ड जो है मुझे बताते हैं आपके पार्टनर की पहले आपके लिए फीलिंग्स जो हैं, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ होगा आपका और इनका रिलेशनशिप। लेकिन जब आपने इनसे वॉक अवे किया, ये या आप इनसे डिटैच हो गए, तो आपके पार्टनर को आपकी वर्ड समझ में आई। वो आपको विक्ट्री देने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको हर हाल में जीतना चाहते हैं। ये किंग ऑफ वॉन्स और बीच में अगर हम ये कार्ड लगाएं, तो इनके दिल में आपकी फीलिंग्स डे बाय डे डेवलप होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे तो नहीं थे। और अगर ये आपके हस्बैंड है और किसी वजह से आप लोग सेपरेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। अगर आपको छोड़ के चले गए हैं, इन्होंने इनके पास अभी मैंने कार्ड देखे नहीं है, बस जस्ट निकाल लिए हैं, तो जो फ्लर्टी नेचर के हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए डे बाय डे डेवलप होती जा रही हैं। ये समझ नहीं पा रही है ऐसा क्यों फील करने लगे हैं आपके बारे में। ये आपसे इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सिचुएशन में क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। आपके पार्टनर सुपरवाइज़र हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो हैं मैनेजर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक जैसी वाइब आ रही है कि उनकी, हो सकते कॉस्मेटिक शॉप हो या कोई शॉप हो इनकी। इनको गार्डनिंग का शौक हो सकता है, ये किसी ऐसी जगह पर रहते होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और काफ़ी लग्जेरियस स्टाइल हो सकता है इनका। ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, ये इंसान एक्शन लेना जानते हैं और एक्शन लेना भी जानते हैं 6 ऑफ वॉन्स से। तो चलिए देखते हैं, 7 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करें। और अगर मैरिड नहीं है तो इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये आपको चूज़ करें इनको, लेकिन आपके बारे में तो इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हैं आपके लिए, तो इनका प्यार डे बाय डे ओवरफ्लोइंग कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इनके लिए क्या है। हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल, टावर, अब आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे सही से, 5 ऑफ वॉन्स, जस्टिस, इनके लिए भी 7 कार्ड आए, आपके लिए भी 7 कार्ड आए।
तो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ये है कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, अगर ये थर्ड पार्टी इनकी मदर है तो ये इनको काफ़ी हद तक आपके लिए कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए राज़ी हो जाए। इन्होंने अपनी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होल्ड पे रखी है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी मदर आपके लिए राज़ी हो जाए। इन्होंने अगर इनकी मदर ने कहीं और रिश्ता इनके लिए देख लिया था तो इन्होंने उधर भी उनको हैंग करके रखा हुआ है, ना उनको हाँ कह रहे हैं ना ना कह रहे हैं। लेकिन ये इस रिलेशनशिप पे भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये इनकी मदर है तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके ऊपर गिव अप करना। लेकिन इनका यहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स है, लेकिन मैं रिवर्सल कार्ड नहीं पढ़ती हूँ, तो ये यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं सही से। इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें। इनके लिए इनके दिल में आपका प्यार बहुत ज़्यादा जगह बना चुका है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके इनसे। ये जो भी है, अगर इनकी ये वाइफ है तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, यहाँ पे ये डिवोर्स लेना चाहते हैं इस सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, और ये इतने ऑब्सेस हो गए हैं आपके लिए कि ये इंसान आपके बारे में डे बाय डे सोचता है, हर दिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होती जा रही है इनके दिल में। और ये यहाँ भी से ये इंसान इनको इस ये इंसान जो है इनसे इस तरह से बंधा हुआ है कि ये इंसान इनको भी नहीं छोड़ पा रहा, डेविल कार्ड से ये इनको भी नहीं छोड़ पा रहा है। अगर ये इनकी वाइफ है तो बहुत ज़्यादा इनको इनसे फिजिकल अट्रैक्शन है, अगर ये इनकी मदर है तो ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? चैरियट रिवर्स है, एक्शन नहीं ले पा रहे। जस्टिस कार्ड आप में भी आया है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे उनकी तरफ, लास्ट में दोनों के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे हम। आपके पार्टनर की तरफ से तीन कार्ड दीजिए। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि जो है उसे बोला नहीं जा रहा है, तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हमें आपके लिए मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ सुनने वाली हैं। गाइस मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है आपके पर्सन, वो हर हाल में जीतना चाहते, कोई भी सिचुएशन चल रही है लेकिन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं। यहाँ पे भी डिलेस का कार्ड आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, फाइव ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि आप इनको लेफ्ट एंड द कोल्ड छोड़ के चली गई हैं। मुझे यहाँ लग ही रहा था या कोई तो किसी को छोड़ के गया है। आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप इनको लेफ्ट एंड द कोल्ड छोड़ के चली गई, आपने इनकी फिक्र नहीं करी, आपने इनकी परवाह नहीं करी, इनको बुरे हाल में छोड़ दिया। अब इनसे दूरी जो है आपकी आपसे दूरी इनके लिए बर्डन बन चुकी है। अगर ये यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी से तो इनसे इनका बोझ उठाया नहीं जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से सिचुएशन से निकलें। एक कार्ड मैं लूँगी आपके पार्टनर की, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है। एक कार्ड दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए गाइस इन्हें ऑफर मिल रही है लेकिन ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लेकिन ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिलेज हैं आपके उनके बीच में, लेकिन ये जो है आपका ये आपकी वजह से किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आप ही को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ये किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें अपनी लाइफ में आप ही चाहिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है आपके लिए, ये किसी को नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ये सिर्फ आपको ही चाहते हैं, आपको ही रखना चाहते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इनकी माँ या इनकी वाइफ या इनकी गर्लफ्रेंड ही इनको ऑफर दे रही है, इनके पास और भी ऑप्शन है लेकिन ये उनको इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें एंजाइटी का कार्ड है, इन्होंने इनकी नींदें हराम करके रखी हुई है आपके पार्टनर की। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल आया है, ये कोई छोटी सी ऑफर इनको देना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे भी आपके पार्टनर का जो आया है बहुत बुरा हाल है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए कि वो क्या करें, किस तरह से हल करें इस सिचुएशन को, क्योंकि ये इनको गिव अप नहीं करना चाहते इनको ये जो भी है।
थर्ड पार्टी को, और इनके दिल में आपकी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे चार कार्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या लेंगे एक्शन उनकी तरफ, क्या उनकी सोच है। चार कार्ड होंगे तो ये लूँगी, नहीं बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर की नींदें उड़ी हुई हैं, इन्होंने बहुत तंग करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, और ये परेशान इस बात से भी है कि दिन ब दिन इनके लिए आपके फीलिंग्स स्ट्रांग होती जा रही है और थर्ड पार्टी ने इनको इस कदर ही परेशान करके रखा हुआ है। देखिए गाइस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये पार्टनर आपसे जो है इस रिलेशन में एक चांस चाहते हैं दोबारा से। अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया या ये आपको छोड़ के चले गए या आपने इनसे वॉक अवे कर लिया, तो लेकिन ये एक चांस और चाहते हैं आपसे कि आप इनको चांस दें एक और अपनी लाइफ में। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये इंसान, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है, जैसे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्स आया, लेकिन ये अब भी आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे तो सिर्फ यही दिखाने आएंगे कि मैं सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ इसी तरह से प्लेफुलनेस की एनर्जी से ही आएंगे। ये इंसान आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, ये कार्ड भी मिलूंगी। ओ देखें, दिस कुड बी द वन, रिकन्सिलिएशन, ट्रू लव। गाइज, और आप लोगों को क्या चाहिए, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आपके निकल के आए हैं। बहुत जल्द आपका और इनका रियूनियन होने वाला है। मुझे आप लोगों का जो, आप लोगों की जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंसान एक चांस चाहता है, ये आपसे शादी भी करेगा, इस सिचुएशन को हल करके आपसे शादी करेगा, या आप इनसे ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपको एक हैप्पी होम लाइफ देगा। लेकिन कुछ डिलेज है क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल आपकी रीडिंग में भी आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल इनकी रीडिंग में भी आया है। यहाँ से ये रिजॉल्व करके अपने सारे मसले ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंट्री करेंगे। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है रीडिंग में, बाय।